फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरती की रसोई में। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाली बैगन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बैगन को हमने चार हिस्सों में ऐसे काट लिए हैं, इस चारों बैगन को काट लिए। अब चलिए इसे बनाते हैं। देखिए, हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अब तेल गर्म हो गया, अब हम बैगन को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा जीरा पाउडर, जीरा गोटा जीरा, तेज पत्ता, एक सूखा मिर्च, कटा हुआ प्याज, फ्रेंड्स देखिए ये प्याज हम भूनिए ब्राउन हो चुका। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच सब्जी मसाला डाल दिए, काली मिर्च पाउडर, दो चम्मच कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसमें हम एक चम्मच दही डालेंगे। दही खट्टा है इसलिए हमने एक ही चम्मच डाला। देखिए मसाला भून चुका, अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी डाल दिए, अभी खोलने तक हम डाल देते हैं। खोल चुका है, अब हम डालेंगे इसमें दो कटा मिर्च और लहसुन कटा। अब इसे पांच मिनट हम पकाएंगे। तीन मिनट हो चुका, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन के रेडी हो चुका हमारा मसाला बैगन। मसाला वाला बैगन रेडी हो गया, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो बन चुका, अब हमारा बनता है। देखिए निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने सर्व कर लिए प्लेट में। अब इसमें थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया। कितना स्वादिष्ट बन चुका हमारा मसाला वाला बैगन। आप इसे खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। आप ये पर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये बैगन की रेसिपी पसंद आई। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।